गर्मी बढ़ने के साथ साथ अब ठंडे पानी की जरूरत भी हर किसी को हो रही है। कोरोना की वजह से लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीने से भी बच रहे हैं। लोग अब फ्रिज के पानी की जगह मटके का पानी पीना पसंद कर रहे हैं, जिसे लेकर पटना की सड़कों के किनारे मिट्टी के बर्तनों का बाजार सजने लगा है। माना जाता है कि मटके में रखे पानी का स्वाद भी बढ़ जाता है और इस पानी से सौंधी खुशबू आती है। क्यों है ये अब भी सबका पसंदीदा, इसका जायजा लिया उत्कर्ष ने। बिहार समेत पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना का जो संकट है वो पूरे भारत में फैला हुआ है, दूसरी तरफ ये जो गर्मी है और जो लू होता है वो काफ़ी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि जो गर्मी के कारण लोग ठंडा पानी पीने पर मजबूर होते हैं, कहीं एक तरफ जो फ्रिज का पानी पीते हैं उससे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जो दूसरा फ्रिज जिसे गाँव का फ्रिज कहा जाता है वो हमारे सामने है। आइए उसे दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से यह जो मटका होता है जिसमें शुद्ध पानी होता है, हालांकि इसके कई साइंटिफिक रीज़न भी हैं कि इसमें लोग पानी पीने को मजबूर हैं। करीब भारत की 90% जो कि गांव में रहने की आबादी है वह लोग मटके में और सुराही इसको कहा जाता है इसमें लोग पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बनता है कि जिसके अंदर एक ये इस तरीके से है कि इसके अंदर आप पानी भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं और ये फिल्टर होके आता है। ये करीब 200 से 250 रुपये इसका दाम होता है। ये जानते हैं कि ये बनाते कौन हैं और कैसे बनता है और इसका फ़ायदा क्या क्या है, कि किस तरीके से ये बनता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर ओम प्रकाश गुप्ता। ये बताइए कि इस सुराही का, इसको घड़ा भी कहा जाता है, इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा बहुत है सर। ये घड़ा का पानी जो है कि शुद्ध पानी है, प्लस फ्रिज से ही अच्छा है। फ्रिज का ये घड़ा का पानी पीजिए, अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये जो घड़ा होता है इसका दाम क्या होता है? दाम तो इस सब का साइज क्या है सर, 12 लीटर है 160 रुपया, 16 लीटर है 200 रुपया, 20 लीटर है 240 रुपया, 22 लीटर है 260 रुपया। माना जाता है कि इस घरे में जो शुद्धता होती है पानी की और मिठास होती है वो फ्रिज से ज्यादा होती है। फ्रिज से ज्यादा सर? फ्रिज क्या है, फ्रिज का पानी में पीजिएगा तो आप पी के देखिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो शुद्धता होती है इस घड़े के पानी में वो फ्रिज से मुताबिक काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि जो महिला प्रेग्नेंट होती है कहा जाता है उन्हें भी सुराही का पानी और घड़ा का पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ जो फ्रिज का पानी है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है और ये जो घड़ा का पानी है, करीब 90% भारतीय ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, जो मजदूर हैं या जो गाँव के लोग हैं, वो आज भी घड़े के पानी सुराही में ही पानी पीते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।